नमस्कार, मैं हूं वर्षा आपके साथ और आप देख रहे हैं SRB बुलेटिन न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस ने दिया राज्यपाल के नाम ज्ञापन। टीकमगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन मौजूद रहे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इसरार मोहम्मद ने मीडिया को बताया कि भाजपा द्वारा किए जा रहे लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों व अधिकारों के दमन के संबंध में आज ये ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि बेंगलुरु में भाजपा द्वारा बंधक बनाए गए कांग्रेसी विधायकों से मिलने गए कांग्रेस के राज्यपाल उम्मीदवार दिग्विजय सिंह व कांग्रेस के मंत्रियों विधायकों से मिलने से रोका गया एवं उनसे अवैध व्यवहार करना, उन्हें बलपूर्वक हिरासत में लेना पूरी तरह से तानाशाही व हिटलरशाही है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश देख रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से भाजपा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। टीकमगढ़ क्षेत्र से SRB पर जमील खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, ऐसे कई प्रयास लगातार सुनने में आ रहे हैं कि देश में इस तरह की वारदातें करके और जो प्रदेश लेवल पर जो सरकारें बनी हुई हैं, इनके जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं और जहाँ विपक्ष में इनकी जो सरकारें बैठी हुई हैं, आपको बताऊँ, उनको हमेशा अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उस सरकार को अस्थिर करने के लिए हमारे जो कांग्रेसी विधायक हैं उनको यहाँ से बंधक बना के ले गए। और वहीं हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह साहब ने जब उनको छुड़ाने के प्रयास किए, बंधकों जो हमारे विधायक हैं, कांग्रेस नेता हैं, उनको छुड़ाने का प्रयास किया तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और उनकी केंद्र बैठी सरकार ऐसे कृत्य कर रही है। हम लोग निंदा करते हैं कि देश में हमेशा संविधान के बनाए हुए रास्ते, संविधान के जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलना होगा, अम्बेडकर के बनाए हुए रास्ते पर चलना होगा, तभी देश की रक्षा हो सकती है और देश का हित हो सकता है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की वारदातें कर रही हैं वो अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का दुष्प्रयास कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जब बेंगलुरु में हमारे अपहृत विधायकों को मिलने गए तो इन्होंने उनको उनसे मिलने के लिए रोका और जबरन हिरासत में ले लिया। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये सर्वनाश कृत्य है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों का अपहरण करके मध्य प्रदेश में दिग्विजय कमलनाथ जी की सरकार को अस्थिर करके गिराना चाहती है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ ये महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि लोकतंत्र की हत्या ना होने दी जाए। आप संवैधानिक दायित्व पर बैठे हैं, कृपया हमारे अपहृत विधायकों को सदन में लाएं और उनसे यहाँ फ्लो टेस्ट में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया जाए। धन्यवाद। हम लोग का आज भी चंपा में